एक पिक्चर बना है, फाइंड द एरिया ऑफ गिवन फिगर, इसका एरिया निकालिए। तो आपको दो चीजें याद करना चाहिए, आयत का क्षेत्रफल क्या है, मतलब की रेक्टेंगल का क्षेत्रफल क्या होता है और स्क्वायर का क्षेत्रफल क्या होता है, दोनों फॉर्मूले लगेंगे इसमें। तो पहले पिक्चर देख लो, ये कितने सेंटीमीटर की है, तो दो सेंटीमीटर की दी जाएगी। ये कितने सेंटीमीटर की है, तो दो सेंटीमीटर ये होगा। ये कितने की है, दो। और ये भी दो सेंटीमीटर की है। अब जिसकी चारों बजाय बराबर होती है वो क्या बन गया, क्या होगा, हाँ रेड कलर वाला क्या बन गया, रेड कलर पिक्चर। ये बन गया बच्चों स्क्वायर या वर्ग, हिंदी में क्या बोलते हैं। बाकी चार जो है उनकी साइड अलग अलग देख लो, ध्यान से पहचान देख लीजिए, ये पांच है, ये पांच है, ये दो है, अलग अलग हो गई, आमने सामने की बजाय क्या हो गई, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, नहीं आई समझ में। तो क्या करोगे, सबसे पहले इसका क्षेत्र निकाल ले रहे, देखो अलग कर दे रहे, इसका वर्ग ये आ गया, वर्ग आ गया, जिसकी दो सेंटीमीटर भुजा ये है, दो सेंटीमीटर ये, दो सेंटीमीटर ये, दो सेंटीमीटर ये और दो सेंटीमीटर, पहले इसका निकाल लो काम, एरिया एरिया बराबर हो जाएगा भुजा स्क्वायर, क्या होगा भुजा गुणा भुजा, भुजा कितनी है, दो गुणा दो बराबर चार सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके समझ में आया, आ गया। अब चार बन रहे हैं तुम्हारे क्या चीज, आयत, कितने बन रहे हैं, चार आयत बन रहे हैं। देखो कौन कौन से बन रहे हैं, ध्यान से देख लो, एक दो तीन चार, और सबकी साइड एक सी हैं, पांच दो पांच दो पांच दो पांच दो, ये सब बने। तो एक का निकाल दोगे पांच से, क्या कर चार से क्या कर दोगे, आंसर आ जाएगा एरिया ऑफ किसका, बोलो रेक्टेंगल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई बोलो, लंबाई कितनी है पांच, चौड़ाई कितनी है दो, कितना हो गया दस सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका आया, एक का आया, अब निकालना कितने का है, मैं चार का, इतना आसान बना दिया हमने, चारों आयतों का क्षेत्रफल, आयतों का क्षेत्रफल या एरिया बराबर क्या हो जाएगा, चार गुना चालीस दस, चार ढाई चालीस सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया वर्ग का, किसका आ गया कितना, ये आ गया आयत का, पूरी आकृति का कितना होगा, पूरी आकृति का क्षेत्रफल बताओ कितना होगा, हाँ आकृति का क्षेत्रफल बराबर किस किसका जोड़ोगे, क्षेत्रफल वर्ग का प्लस आयत, चार आयत है एक वर्ग है, चार है ये, बराबर कितना हो जाएगा, चार प्लस चालीस बराबर हो गया चवालीस सेंटीमीटर स्क्वायर। किस किस के समझ में आया ये, थैंक यू वेरी मच।